Bloom into you. Some say this is a romance anime, while some say it's a yuri anime. But it's neither of those. What do I mean by that? Well, let me explain. Blooming into you shoujo AI genre में एक one of a kind anime है, जो कि romance के ऊपर आपको एक fresh and mature perspective present करती है. ये एनिमे शायद आपको एज एन ऑडियंस टारगेट करके नहीं बनाई गई होगी, बट यू विल लव इट रिगार्डलेस ऑफ दैट. एट इट्स कोर ये एक रोमांस एनिमे है, पर इसकी स्टोरी दो लोगों के बीच के रोमांस के एस्पेक्ट को पोर्ट्रे नहीं करती है. इट प्रेजेंट्स यू विद अ यूनिक व्यू ऑफ द कैरेक्टर्स इमोशंस दैट अलाउज देम टू एग्जिस्ट इन अ माइक्रोकॉस्म ऑफ देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर. ये एनिमे लव के डिफरेंट फॉर्म्स को पोर्ट्रे करती है, नॉट जस्ट फॉर द पीपल यू मोस्ट केयर अबाउट बट ऑफ योर सेल्फ एज वेल. ये एक ऐसा एनिमे है जो हमें लव और ह्यूमन इमोशंस के कॉम्प्लेक्स नेचर के बारे में बताती है. इट कैन बी एनीथिंग, एन इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स और ए अनएक्सपेक्टेड कन्फेशन हिडन इन डिस्क्रेशन. पर एक चीज जो हमें समझनी पड़ेगी कि इज लव इज नॉट बाइनरी बट रादर ए कलेक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम्स और माई रीड ऑफ डिफरेंट थिंग्स. कुछ लोग रोमांस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं पर वो कोई भी सेक्सुअल अट्रैक्शन फील नहीं कर सकते हैं, ऑल्सो नोन एज एसेक्सुअल और एसेस. और फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सेक्सुअल अट्रैक्शन तो फील कर सकते हैं पर वो रोमांस को एज ए इमोशन परसीव नहीं कर सकते हैं, ऑल्सो नोन एज ए रोमांटिक और अरस. देन देर आर द पीपल हु लाई बिटवीन द स्पेक्ट्रम, जो सिर्फ उन लोगों से सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो सकते हैं जिनसे उनका एक क्लोज बॉन्ड हो, ऑल्सो नोन एज डेमीसेक्सुअल. As an anime, Blooming Into You touches a somewhat intimate and a very real story of a relationship. इसकी वजह से कुछ लोगों को इसकी स्टोरी अनइम्प्रेसिव या फिर बोरिंग लग सकती है. और अगर आपको रोमांस और स्लाइस ऑफ लाइफ जॉनर के एनिमेस पसंद नहीं है तो इसके लिए मैं आपको ब्लेम भी नहीं कर सकता हूँ. What does it mean to be in love? Why do people fall in love with each other? ये एनिमे इन सारे सवालों को अपने व्यूअर को कन्वे करने का ट्राई करती है. बट टू बी फेयर टू द एनिमे, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब एक्यूरेटली दे पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. पर हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि ब्लूमिंग इनटू यू इज नॉट जस्ट लाइक एनी अदर रोमांस, इट्स अ स्टोरी अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन. कोइटो यू को हमेशा से ही शोजो मांगास पढ़ना पसंद था. वो शोजो मांगा स्टोरी से इतना फैसिनेटेड रहती है कि वो उन स्टोरीज को अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करने का एक्सपेक्टेशंस रखती है. उसे लगता था कि गेटिंग ए कन्फेशन विल फील समथिंग एक्स्ट्रावेगेंट. अगर हम व्यू के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें ये समझ आता है कि उसका रोमांस को लेकर आउटलुक बहुत ज्यादा शैलो या फिर फिक्शनल है. लेकिन जब यू का क्लासमेट अपने प्यार का इजहार करता है उनके ग्रेजुएशन के दौरान, यू को एक काइंड ऑफ अ हॉलो और एम्प्टी फीलिंग आती है. और फिर यू को रियलाइज होता है कि उसको रोमांस के बारे में तो सब कुछ पता है, बट सम हाउ शी कैन नॉट एक्सपीरियंस दैट फीलिंग. और as she says, With that, it's way too big a word for me. इस एक इंसिडेंट की वजह से यू अपने और अपने दोस्तों के बीच में एक डिस्टेंस महसूस करने लगती है, या फिर यू कैन से वो डिस्टेंस बना लेती है. She has a feeling of indifference from others due to how vaguely different her experience with romance has been when you compare it to others. जब यू अपने हाई स्कूल की शुरुआत करती है तो उसे ये रिकमेंडेशन मिलती है कि शी शुड जॉइन द स्टूडेंट काउंसिल. यू स्टूडेंट काउंसिल को चेकआउट करने जा ही रही होती है तभी अचानक से उसकी मुलाकात होती है नानमी से, जो एक कन्फेशन को बहुत ही मेच्योरली टर्न डाउन कर रही होती है. एज अ स्टूडेंट, नानमी की पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा एडमरेबल और डिपेंडेबल है, और उसके हाई स्कूल में स्टूडेंट्स नानमी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं. यू को ये रियलाइज़ होता है कि नानमी बिल्कुल उसी की तरह है हु कैन नॉट एक्सपीरियंस रोमांस. यू ये डिसाइड करती है कि शी विल ओपन अप इन फ्रंट ऑफ नानमी, पर अचानक से वो सरप्राइज हो जाती है व्हेन नानमी कन्फेसेस टू हर. यू ये डिसाइड करती है कि शी विल नॉट रेसिप्रिकेट एज वो रोमांस को एज अ फीलिंग एक्सपीरियंस नहीं कर सकती है, बट शी अलाउज नानमी टू बी इन लव विद हर. और फिर यहीं से कहानी शुरू होती है, और यू कैन सी द टेल ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. क्योंकि यहीं से ये कैरेक्टर्स अपने बारे में सीखते हैं, लाइक हु दे आर. एज ए कैरेक्टर यू की पर्सनैलिटी आपको शायद थोड़ा सा ब्लैंड लग सकती है, पर जैसे जैसे एनिमे प्रोग्रेस करेगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप इस एनिमे को इन्जॉय करने लगे हैं, क्योंकि यू की पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक और रिलेटेबल है. क्योंकि एनिमे की शुरुआत में यू अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहती है, और धीरे धीरे वो अपने आप को बाकी लोगों से कम्प्लीटली आइसोलेट कर लेती है. इट्स ए काइंड ऑफ अ फीलिंग शी डिडंट नो हाउ टू डील विद, क्योंकि उसने अपनी सारी जिंदगी ये सोचने में लगा दी कि शी इज़ इनकेपेबल ऑफ एक्सपीरियंसिंग रोमांस. पर हम यू को एज अ कैरेक्टर ग्रो करते हुए देखते हैं जैसे जैसे एनिमे प्रोग्रेस करती है, एज शी हैज स्टार्टेड टू पुश थ्रू हर बाउंड्रीज जिन्हें वो पहले अवॉइड करने का कोशिश करती थी. एनिमे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने पर कुछ लोगों की कन्फ्यूजन हो सकता है कि वेदर यू इज अ एरो और अ एस, पर अगर आप मांगा में थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो उन दोनों में से एक भी नहीं है, बिकॉज शी इज मोर ऑफ ए डेमी.
अगर हम नानामी की बात करें तो एज ए स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट शी इज अ परफेक्ट गर्ल फॉर एवरीवन अराउंड हर। हाउएवर एज अ कैरेक्टर शी इज फिल्ड विद फियर्स एंड डाउट्स। डीप डाउन हम सभी को कोई ना कोई तरह का फियर होता है, द फियर ऑफ डाइंग, द फियर ऑफ लूजिंग समवन, द फियर ऑफ बीइंग अलोन, और द मोस्ट कॉमन एंड बिगेस्ट फियर कि बाकी लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। A desire to be accepted and due to which we lose our true selves among all of the personalities we create. And Nanami suffers from the weight placed upon her where she is compared to her sister. इसी वजह से Nanami को अपने fake perfect personality को maintain करना पड़ता है as she feels she cannot show her true self to others. To be honest, हम सबको कभी ना कभी ऐसे societal pressure को deal करना ही पड़ता है जहाँ पर हमें कुछ ऐसा बनना होता है जो हम नहीं होते हैं, क्योंकि हम सब की एक डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है हर डिफरेंट ओकेजन्स के हिसाब से, और अनकॉन्शियसली इन सब पर्सनैलिटीज़ के बीच में वी बैरी आवर ट्रू सेल्व्स। और इस केस में Nanami का भी सेम ही है, हु ट्राइज टू कम्प्लीटली चेंज हर सेल्फ टू बिकम हर सिस्टर समवन शी थॉट वॉज वर्थ लुकिंग अप टू। लेकिन जब यू Nanami को ये समझाती है कि शी शुड बी हर सेल्फ इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू बी समवन एल्स, व्हिच Nanami रिप्लाइज विद, आई वुड रादर डाई then hear any of that again. लेकिन जब Nanami की मुलाकात यू से होती है तो उसके सारे फियर और एंग्जाइटी एक दूसरी फीलिंग के साथ रिप्लेस हो जाते हैं, बिकॉज Nanami लव्स यू एंड शी कैन बी हर ट्रू सेल्फ इन फ्रंट ऑफ हर। और यही एस्पेक्ट इस एनिमे को इतना रियलिस्टिक बनाता है। एज प्रोटैगनिस्ट स्टोरी का मेन फोकस ज़्यादातर Nanami और यू पर ही रहता है, पर हम बाकी कैरेक्टर्स को इतनी इजीली मिस आउट नहीं कर सकते हैं, जैसे Sayaka Saki जो Nanami की क्लोज फ्रेंड रहती है। और पहले वो एक बड़ा सा ऑल गर्ल्स स्कूल अटेंड करती थी एंड दोनों ही स्टूडेंट काउंसिल में काम करते हैं, बट इट्स काइंड ऑफ हार्ड टू मिस आउट दैट Sayaka सीज Nanami एज मोर देन अ फ्रेंड। ये सीरीज इस एस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करती है, बट इट्स इंटरेस्टिंग टू सी दैट Sayaka साइड ऑफ स्टोरी। पर अगर आपको इस एस्पेक्ट के बारे में और जानना है तो शायद आपको मांगा पढ़नी पड़ेगी। एंड देन देयर इज माकी सेजी जो कि स्टूडेंट काउंसिल का एक और मेंबर है। माकी अपेरेंटली लव्स टू डिस्कस विद अदर पीपल अबाउट देयर एक्सपीरियंस विद रोमांस, बट एज अ पर्सन उसको अपनी लाइफ में रोमांस को एक्सपीरियंस करने का कोई भी डिजायर नहीं है। ही इज नॉट जस्ट एन एज बट ऑल्सो ए एरो। माकी शायद इस एनिमे का सबसे दिलचस्पिंग कैरेक्टर है बिकॉज ही हेल्प्ड यू टू डिस्कवर हर फीलिंग्स फॉर Nanami, जो चीज़ मुझे ब्लूमिंग इंटरव्यू के बारे में सबसे ज़्यादा माइंड ब्लोइंग लगी। इसकी कैसे कैरेक्टर्स और मोनोलॉग्स का परफेक्टली और विटिली यूज़ किया गया है। ये एनिमे अपने कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी को लेकर अपने ऑडियंस को पोर्ट्रे करने का ट्राई करती है, बिटवीन द इमोशंस दे शो टू एवरीवन एंड व्हाट दे एक्चुअली फील, ऑफन शोइंग देयर कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स। बाहर से बहुत ज़्यादा सिंपल लगता है, बट देयर इज मोर डेप्थ टू इट इफ यू लुक केयरफुली। Bloom Into You अपने कैरेक्टर्स और उनके इनर मोनोलॉग्स के यूज करके अपनी स्टोरी को डेवलप करने की कोशिश करता है, शोइंग अस हाउ देयर कैरेक्टर्स एक्चुअली आर व्हेन दे आर बीइंग देयर ट्रूएस्ट सेल्फ एंड हाउ दे ट्राई टू कीप इट लॉक्ड अप। अगर हम इस एनिमे के प्रोडक्शन की बात करें तो Blooming Into You में एनिमेशन और साउंड ट्रैक्स को बहुत अच्छे से ब्लेंड किया गया है। फ्लूएंट एनिमेशन एंड ए ब्यूटीफुल विजुअल स्टोरी लाइन जो कि हर कैरेक्टर के इनर थॉट्स को कन्वे करता है, एंड आई थिंक इस डिपार्टमेंट में आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। In the first episode where a rush of water drifts you apart from her friends, ये सीन यू के इनर फीलिंग्स और आइसोलेशन को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करता है। इवन पूरे एनिमे में आर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, और अगर आप थोड़ा सा नोटिस करने का ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर सीन के इमोशनल इंटेंसिटी के हिसाब से एनिमेशन, कलर पैलेट और एम्बियंस को अच्छे से चेंज किया गया है। लाइक जब कैरेक्टर्स के इमोशंस अनस्टेबल होते हैं तब आपको थोड़ा सा ग्लूमी और डार्क कलर पैलेट इस्तेमाल होते हुए देखने को मिलेगा, एंड व्हेन दे आर हैप्पी आपको एक ब्राइट कलर पैलेट का इस्तेमाल होते हुए देखने को मिलेगा। और इसके सॉन्ग हेक्टोपिक्सल के बारे में क्या ही कहने, बिकॉज इट्स वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स फ्रॉम द एनिमे। इन द एंड हम यही बोलना चाहेंगे कि इट्स नॉट ए रोमांस एनिमे, एंड नॉट एवरी सिंगल रोमांस नीड्स टू बी सम एक्सट्रैवेगेंट ओवर द टॉप टियर ट्रेजिक स्टोरी, बिकॉज समटाइम्स यू नीड ए लिटिल पिंच ऑफ बिटर स्वीटनेस इन योर स्टोरी एंड समटाइम्स यू डोंट। जिसका मतलब है आप एक बहुत ही सिंपल प्लॉट के साथ एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लिख सकते हैं, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। जब ये एनिमे रिलीज हुआ था तब मेरे ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, बट समहाउ दिस एनिमे मैनेज्ड टू टेक मी बाय सरप्राइज। जिस तरह से इस एनिमे ने एक रिलेशनशिप के सटल एस्पेक्ट को हैंडल किया है इज वन ऑफ द थिंग्स व्हिच मेड दिस एनिमे सो रिलेटेबल। इवन इसके मांगाका Nakatani Nio ने भी कहा है कि इट्स नॉट अ रोमांस और अ यूरी एनिमे, इट्स जस्ट अ स्टोरी अबाउट टू पीपल डिस्कवरिंग व्हाट इज लव एंड बोथ ऑफ देम हैपन टू बी गर्ल्स।
एज ए स्टोरी ये एनिमे हमें नानमी और यू के आइसोलेशन और सेल्फ रियलाइजेशन को दिखाने का ट्राई करता है। ग्रेजुअली एनिमे में यू को रोमांस एज अ फीलिंग थोड़ा थोड़ा समझ आने लगती है और नानमी को कोई ऐसा मिल जाता है जिसके सामने शी कैन ओपन अप एंड शो हर ट्रू सेल्फ। इट्स नॉट अबाउट जस्ट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर बट रादर फाइंडिंग आउट व्हाट वी आर ट्रूली इनसाइड एंड ट्राइंग टू बिकम क्लोजर टू दैट। टू ब्लूम इनटू दैट और एज द टाइटल सेज टू ब्लूम इनटू यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू बिकम अ चैनल मेंबर लाइक दीज लवली पीपल ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी या। Wait, there are lesbians in this show?